ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन ही पूछ रहा है। देखिए ये फंक्शन इसके अंदर पहले से मौजूद है, ये इसकी यहाँ पर मौजूद है और ये पूरी फाइल आपको मैं दे देता हूँ। तो ये फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जैसे इसने कहा हुआ है कि एबीएस फंक्शन जो है वो कैसे काम करेगा, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द रिटर्न वैल्यू आर इंटीजर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ये। और कॉस कैसे काम करेगा, रिटर्न द कोसाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी एन एंगल एक्सप्रेस इन रेडियंस, द रिटर्न टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर डबल। तो लिखना कैसे, कॉस और फिर उसको आर्ग्यूमेंट पास करना है यहाँ पे जो भी रेडियन है, और फिर वो किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा। फिर कंप्यूट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर द ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच इज एक्स, द रिटर्न टाइप एंड द आर्ग्यूमेंट्स आर डबल्स। इसमें रिटर्न टाइप इसकी डबल होगी तो यहाँ पे डेटा टाइप भी यहाँ पे आपने डबल रखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कोई भी वैल्यू दे। फिर एफ मॉड है, रिटर्न द डबल रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट डिवाइड बाय द सेकंड आर्ग्यूमेंट, वर्क्स लाइक द मॉड्यूलस ऑपरेटर बट द आर्ग्यूमेंट आर डबल, मॉड्यूलस ऑपरेटर ओनली वर्क्स इन इंटीजर, टेक केयर नॉट टू पास जीरो एज द सेकंड आर्ग्यूमेंट, डूइंग सो वुड कॉज डिवीजन बाय जीरो। बोला भाई ये ऑपरेटर काम करेगा मॉड ऑपरेटर की तरह, लेकिन इसमें रिटर्न टाइप डबल होगी तो यहाँ वेरिएबल डबल होना चाहिए, एक दूसरे को डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा वो उसको रिटर्न करेगा, एफ मॉड ऑपरेटर। बस इसमें जो एहतियात की है वो आपने करनी है। लॉग ऑपरेटर कैसे काम करेगा, लॉग टेन कैसे काम करेगा, अभी कह रहा है रिटर्न द बेस टेन लॉगरिथम आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न टाइप द, अब ये लॉग वगैरह अगर थोड़ा सा याद हो तो ये उसके हवाले से आ जाएगा सिन है। बाकी ये एसक्यूआरटी फंक्शन कैसे काम करेगा, स्क्वायर रूट निकाल के देगा, कैसे करेगा, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द आर्ग्यूमेंट द रिटर्न टाइप एंड द आर्ग्यूमेंट्स आर डबल, ठीक है, मतलब यहाँ वेरिएबल डबल लेना है, स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू डालोगे उसका स्क्वायर रूट निकाल के इसको कैलकुलेट करके दे देगा। टेंजेंट निकालने का भी फंक्शन है, तो ये इसके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। इसके बारे में यही कह रहा है कि भाई इसके जो सवाल है उसमें वो आपसे यही पूछ रहा है कि चेक पॉइंट्स पे राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वो जो दो दो लाइन की डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपने लिखनी है। जैसे ये क्या कर रहा है, ये भी रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, ये पावर को कैलकुलेट कर रहा है, ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है, ऐसे कोसाइन एक्सपोनेंशियल टेंजेंट ये फंक्शन क्या काम कर रहे हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है जब आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी ऐप बनाना चाह रहे हैं जो स्क्वायर रूट कोसाइन थीटा बना के दे दे, लोग वैल्यू डालें, तो उसमें इन फंक्शन का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। अच्छा आगे कह रहा है अज्यूम द वेरिएबल, अब ये उसी से रिलेटेड सवाल है, एंगल वन एंड एंगल टू होल्ड एंगल्स स्टोर्ड इन रेडियंस, राइट अ स्टेटमेंट दैट ऐड्स द साइन ऑफ एंगल एंड कोसाइन ऑफ द एंगल टू एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन द वेरिएबल एक्स। अब ये आपने थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा ना उसके साथ काम किया है तो फिर ये हो सकता है, ऊपर समझाया उसने। टू फाइंड द क्यूब रूट, क्यूब रूट मालूम करना है आपने, द थर्ड रूट द ऑफ अ नंबर रेज इट टू द पावर 1/3, to find the fourth root of the number raise it to power 4, power write the statement that find the root of x and y store the variable y। agar thoda bahut math yaad hai square root wagera aur triple root wagera to isko perform kar sakte hain aap, warna fir kisi example ke sath mujhe bana ke dena padega। ab ye cosec cosecant ko jo hai angle a se solve karega, is question ko program ke zariye solve karna hai aur wo function usme use karke karna hai। अच्छा फोकसिंग ऑन द डिबगिंग हैंड ट्रेसिंग अ प्रोग्राम, अब हैंड ट्रेसिंग इज अ डिबगिंग प्रोसेस, पता रहा है कि हैंड ट्रेसिंग किसे कहते हैं, इज अ डिबगिंग प्रोसेस। अब एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर डिबग, देखो डिबग के क्या मायने होते हैं ये समझ लो, जब किसी प्रोग्राम में एरर आता है उस एरर को हम कहते हैं बग, बी यू जी बग, बग माने वो कीड़ा नहीं होता एक बग टाइप का, ठीक है, बग वायरस को भी कहते हैं, ठीक है, और डिबग मतलब नहीं गलती को खत्म करने का तरीका, जब आप एरर्स को रिजॉल्व करना शुरू करते हैं इस प्रोसेस को आप कहते हैं डीबगिंग, ठीक है। तो वेयर यू प्रिंटेड प्रीटेंड दैट यू आर द कंप्यूटर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, यू स्टेप थ्रू ईच ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट वन बाय वन, एज यू लुक एट द स्टेटमेंट यू रिकॉर्ड द कंटेंट दैट ईच वेरिएबल विल हैव आफ्टर द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, दिस प्रोसेस इज ऑफन हेल्पफुल टू फाइंडिंग मैथमेटिकल मिस्टेक्स एंड अदर लॉजिकल एरर्स। मतलब ये कहता है डी, ये हैंड ट्रेसिंग डीबगिंग का मतलब है कि प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को वन बाय वन जब आप स्टडी करते हैं और उसके रिजल्ट्स को लेते हैं तो इसे आपको हेल्प करती है लॉजिकल एरर रिमूव करने के लिए और मैथमेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए। टू हैंड ट्रेस प्रोग्राम यू कंस्ट्रक्ट द चार्ट ऑफ द कॉलम ऑफ फॉर ईच वेरिएबल, अब ये बता रहा है कि इसको करने का भी एक चार्ट का तरीका है, द रोज इन द चार्ट कॉरस्पोंड लाइंस एंड द प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के बैंड शो इन द हैंड ट्रेस चार्ट,
the program following four variable 1, 2, 3 and average. Notice that the hand trace chart has a column of each variable and row for the each line of the function of main. ठीक है भाई, क्या समझा रहा है प्रोग्राम के अंदर? अब इसमें समझा रहा है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखें. दिस प्रोग्राम आस्क फॉर द थ्री नंबर्स द डिस्प्लेज द एवरेज ऑफ द नंबर्स इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. ठीक है, तीन नंबर का इनपुट लेंगे और उसका एवरेज निकालेगा. एवरेज निकालने का तरीका पता है ना क्या होता है? तीनों को प्लस करेगा और तीन से डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो जितने भी आइटम्स होते हैं उनको प्लस कर लिया जाता है और उनकी क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर दिया जाता है. अब इसको कैसे कर रहा है इसमें देखें. इसने कहा नम वन, नम टू, नम थ्री, नम फोर एवरेज आ गया. नम वन में सर आ गया सी आउट द फर्स्ट नंबर इंटीजर, तो फर्स्ट नंबर आपने इधर लिखना है, सेकंड वाला आपने इधर लिखना है, थर्ड वाला आपने इधर लिखना है. अब एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज के अंदर आपने पहले प्लस किया और डिवाइड कर दिया थ्री से. ठीक है, तो एवरेज आपने यहाँ पे लिख लिया द सी आउट एवरेजेस, और जो एवरेज का आउटपुट था वो आपका यहाँ पे प्रोग्राम पे आ गया. तो अब जितनी बार प्रोग्राम चलेगा आपने इसको इस तरह चार्ट के अंदर वैल्यूज लेती जानी है और उसको आउटपुट लिखता जाना है. ये बता रहा है हैंड ट्रेसिंग ऐसे कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आउटपुट स्टोर ऐसे किए जाते हैं. यानी कि एक तरीका बता रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम में जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आएगा. तो उसका हैंड ट्रेसिंग मेथड ये है कि आप ऐसा चार्ट बनाएंगे, वेरिएबल के नाम ऊपर लिखेंगे, जो जो वैल्यू इनपुट डाल रहे हैं वो लिखेंगे और जो आउटपुट अदा जा रहा है वो आप लिखते जाएंगे. तो इस तरह जितनी बार प्रोग्राम चलाएंगे डिफरेंट आउटपुट का आप ऐसे स्टोर करके देख सकते हैं. ये एक मेथड है, ये आपको सिखाया गया है इसमें. ठीक है, अच्छा, द प्रोग्राम विच आस्क द यूजर्स टू एंटर द नंबर्स एंड डिस्प्ले द एवरेज नंबर्स एंड द नंबर्स एंड हैज अ बग, इट डज नॉट डिस्प्ले द करेक्ट एवरेज. अब कह रहा है कि इसमें कोई करेक्ट एवरेज नहीं आ रही है. क्या मतलब है? द आउटपुट ऑफ द सैम्पल सेशन विद प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर 10, 20, 30 डाला, उसका एवरेज नंबर 40 आ रहा है. तो कैसे आ रहा है? तो 30 में 50, 60, 60 को डिवाइड किया 30 से, तो आंसर क्या आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 3, 20. तो भाई अब इसमें एवरेज में बग है, तो द करेक्ट एवरेज इज 10, 20, 30, 20, 40. टू फाइंड द एरर वी विल hand trace the program. To hand trace this program, step through each statement observing the operation is taking place and the record the content of the variables after the statement executes. After the hand tracing is complete, the chart will appear follows. We have written questions marks in the chart. We do no actions. Ab ye keh raha hai ki iska sahi tarika kya hai ki pehle wale mein is tarah se ke dusre mein 10 dala, dusre mein 10, 20, phir 30, aise input dalte gaye, iska average aaya nahi aaya. To ab yahan par isne isko correction form mein liya nahi liya, sahi ho gaya to average. To do you have the see the error by examining the statement performing the major operations in line. acha isne kaha ki bhai dekhiye aap aise input dale, khali khali chhod dein, fir isme 10 dale, fir 10 dale, koi bhi number dale, is tarah se dekh le. fir aage raha hand tracing is a simple process that focus your attention on each statement is a program often is help to look at errors are not obvious. theek hai, matlab har ek cheez ko alag alag check karna hota hai. मतलब आपने पहले इस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट लेके देखा, फिर इस वेरिएबल का आउटपुट लेके देखा, फिर इसका अलग से चेक किया. जब तीनों सही हो गए फिर आपने इन तीनों को अलग से प्लस करके इनका आउटपुट लेके देखा, फिर आपने देखा ये भी सही आ रहा है, फिर आपने इन तीनों को डिवाइड करके इसका आंसर लेके देखा, फिर सही आ रहा है नहीं आ रहा है. मतलब स्टेप बाय स्टेप जब किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो इसी तरह आपको किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड करने में हेल्प होती है. ये इसने एक तरीका बताया आपको कि किस तरह कर सकते हैं. अब हर किसी का अपना एक लॉजिकल माइंड है, बहुत सारे लोग तजर्बे एक्सपीरियंस से करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे ही करना पड़ता है, एक एक लाइन को अलग अलग कंपाइल करा के चेक करना पड़ता है. फोकस ऑन द प्रॉब्लम कह रहा है कि एक प्रॉब्लम को देख लें कैसे स्टडी है. जनरल ग्रैंड्स, जनरल कैरेट्स, अच्छा सुन लें एक प्रोग्राम. ठीक है ना, इसको स्टॉप करते हैं.